वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप जैसे कि देख रहे हैं भाई, अभी हम खड़े हैं इस यहाँ पर कैंपटी फॉल पे, और अब यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं कहाँ पे जाते हैं। अभी हमने ऑर्डर दिए हैं छोले कुलचे खाते हैं, इसके बाद निकलते हैं। तो भाई तारिक भाई और आगे भाई तो इधर से निकल लिए, इधर से विकास नगर पड़ता है लगभग 45 किलोमीटर यहीं से यहाँ कैंपटी फॉल से, और अभी हम चलेंगे मसूरी। भाई यहाँ से निकल लिए हैं कैंपटी फॉल से, अब डायरेक्ट हमको जाना है देहरादून। एक क्या अगर मसूरी रुकने का प्लान बन गया तो रुक जाएंगे, नहीं तो बस डायरेक्ट निकलेंगे। सो गाइस मसूरी बची है 1 किलोमीटर, और उसके बाद बस मसूरी में तो क्या करेंगे, रुक के डायरेक्ट देहरादून ही चलेंगे। फिलहाल मैं मसूरी पहुंच चुका हूँ, ये देखो, लेकिन यहाँ पे मैं रुकूंगा नहीं, बॉडी बहुत थक चुकी है, तो डायरेक्ट देहरादून ही चलते हैं। तो गाइस वेदर फिर ऐसा ही हो चुका है, ये देखो गाइस, अभी हम मसूरी से नीचे उतरे ही थे, ये देखो बादल कैसे उड़ रहे हैं यहाँ से, अब चलते हैं। मैं वहाँ पे नहा लिया था ना, इस वजह से थोड़ी ठंडी भी लग गई, ठंड लग के थोड़ा सर में दर्द हो गया इस वजह से, और मेरे शूज़ भी पूरे मतलब बहुत ज़्यादा वैसे हो रहे। चलो भाई गाइस, इतनी ठंड लग रही है, मतलब बाइक भी चलाते हुए मतलब स्कूटी चलाते हुए बहुत प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, इतनी अच्छी खासी ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने यहाँ जनवरी में चलाते ऐसा लग रहा है। गाइस मैंने शॉर्टकट ले लिया है, मैं जा रहा हूँ झड़ी पानी वाले रास्ते से जो मसूरी से उतरता है दूसरी साइड से। गाइस मौसम बहुत ही खतरनाक हो गया है यहाँ पे, मतलब बारिश स्टार्ट ही है बस, ये देखो आप देख सकते हैं। तो गाइस मसूरी रोड पर निकल चुके हैं और अब चलते हैं। तो गाइस जाते हुए तो यहाँ पे कम भीड़ थी, अब भीड़ भी बढ़ गई है और पानी का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है, देखो यहाँ पे, ये देखो गाइस पहाड़ों का हाल देखो भाई, बारिश में हर जगह से पानी, हर जगह से पानी। I'm not a writer. Okay.